लैके चलते हैं प्रधानमंत्री इस समय संबोधित कर रहे हैं, की कुछ कह रहे हैं, संदर्भ करते हैं गुवाहाटी का। आगे बढ़ने का निर्णय कर लेते हैं और शासन प्रो पीपल होता है, प्रो पुअर होता है, प्रो एक्टिव होता है, तो जन जनार्दन का भरोसा भी अनेक गुना बढ़ जाता है, फिर काम सरल हो जाते हैं। आज मैं अनुभव कर रहा हूं, अब नोटबंदी के बाद किसी ने सोचा होगा कि करीब करीब 90 लाख से भी ज्यादा लोग ईमानदारी के अवसर में जुड़ गए, टैक्स देने के लिए सामने से आगे आए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपने आप को जोड़ दिया। अभी तो सरकार ने किसी को कुछ कहा नहीं है, अभी तो सिर्फ मैं चीजें तैयार कर रहा हूं, उसके बावजूद भी 90 लाख लोगों का अपने आप देश को कर चुकाने के लिए आगे आना, ये अपने आप में ईमानदारी के अवसर को एक ताकत देने वाली घटना के रूप में मैं देखता हूं। भाइयों बहनों, हमारा ये विश्वास रहा है कि हम जनता जनार्दन पे भरोसा करें। अंग्रेजों ने कभी भी हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा नहीं किया, वे इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए हर हिंदुस्तानी पर शक करते हुए अपनी शासन व्यवस्था को विकसित किया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी सरकारों की आदत वही रही और जनता पे शक करना, भाइयों बहनों पिछले 3 साल के बाद में आपने देखा होगा, हमने हर काम में जनता पर भरोसा करने को प्राथमिकता दी है। शुरुआत यहीं से करते हैं, जनता जनार्दन नागरिक सही बोलता है, हमें पहले मान के चलना चाहिए कि सही बोलता है, अगर गलत हमारे पास जानकारी आए तब उसकी गलती को उसके बात करनी चाहिए, आते ही उसको गलत मान करके नहीं चलना चाहिए। अब आपको मालूम है, पहले कभी स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, नौकरी की अर्जी करनी है तो जेरोक्स कॉपी आपके सर्टिफिकेट की, उसको भी किसी पॉलिटिशियन के घर जाकर के थप्पा मरवाना पड़ता था। क्यों भाई, जब जेरोक्स मशीन है, जब फाइनल इंटरव्यू होगा नौकरी का, उस समय जो ओरिजिनल कॉपी है वो देख लीजिए, अभी उसको क्यों दौड़ाते हो। हमारी सरकार ने निर्णय कर लिया, देश की जनता पे भरोसा करो, वो खुद अपने आप अपना साइन कर दे, खुद ही कह दे हां ये मेरी ट्रू कॉपी है, दे ले मान लो उसको, घटना छोटी होगी लेकिन सोचने का तरीका क्या है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। हमने इनकम टैक्स में लोगों को कहा कि 50 लाख का अगर आपका कारोबार है प्रोफेशनल का, आप अपने हिसाब से सरकार को बता दीजिए और इतनी मात्रा में टैक्स दे दीजिए, आपको कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, जनता पे भरोसा करना चाहिए, जनता पे विश्वास करना चाहिए। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका अपने पर ईमानदारी का इतना विश्वास है कि वो जनता को ईमानदार मानती है और ईमानदार जनता पे भरोसा करके आगे बढ़ने का फैसला लेकर के चलती है। एक अलग कार्य संस्कृति क्या होती है, एक अलग कार्य करने का तरीका क्या होता है, यह आज देश अनुभव कर रहा है। भाइयों बहनों, आज देश में दुनिया के अंदर जो आईटी रिवॉल्यूशन आया है, हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता है। अफवाहें फैलाने वाले फैलाते रहेंगे लेकिन हमने इस टेक्नोलॉजी को भरपूर फायदा उठाना है।
एक के बाद एक हमारे कदम गरीब से गरीब व्यक्ति को एम्पावर करने वाले हैं। बैंकों की ब्रांच कम थी, हमने पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में बदलने का निर्णय कर लिया। एकदम रातों रात लाखों नई बैंकें बन गई। हमने डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की, हर इंसान का मोबाइल फोन अपने आप बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा बन गया। मास स्केल पर बदलाव कैसे लाया जा सकता है, ये आप अनुभव कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कुछ काम ऐसे हैं जो हमारा इंतजार नहीं कर सकते। हम हमारी पुरानी आदत से चलेंगे तो ये तो लगेगा कि काम हो रहा है, सरकार कुछ कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन को या देश को कोई लाभ नहीं।